अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुरसुम्बला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2024 के आखिरी 6 माह कैसे होने वाले हैं। इन 6 महीनों में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली पैदा हो सकती है, आपकी धन दौलत में कितना इजाफा हो सकता है, आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव देख सकते हैं, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में आपको कैसे उरूजो ज़वाल की मनाजिल को तय करना पड़ सकता है, आपके रूहानी मामलात कैसे चलेंगे, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, बैरूने मुल्क सफर और किस्मत के हवाले से 2024 के आखिरी 6 माह कैसे होने वाले हैं। अगर आप अपनी होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज्जज वर्गो ख्वातीनों हज़रात, साल 2024 के आखिरी 6 माह में आपके जायचे में 4 सितारे इंतहाई मुस्बत एनर्जीज पैदा करेंगे। आपके जायचे के पहले घर में 26 जुलाई से 5 अगस्त तक और फिर 9 सितंबर से 26 सितंबर तक मरकरी के शर्फ के दिन होंगे। इन दिनों में आपके लिए इंतहाई अहम वक्त होगा। आप अपनी जहनी सलाहियतों और जाती खसूसियात में इजाफा देखेंगे। आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी। इन दिनों में आपकी गुफ्तगू करने की सलाहियत में इजाफा होगा। आप दूसरों को अपनी बात पर बहुत आसानी से कायल कर लेंगे। आपके लिए मामलात को समझना और अपनी रोजमर्रा जिंदगी से अच्छे अंदाज में डील करना इंतहाई आसान होगा। मरकरी का आपके जायचे के पहले घर में शर्फ ये इशारा देता है कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उलझी कुछ बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका जोश खरोश बढ़ा हुआ होगा और आप एक एक्साइटेड तरीके से अपने रोजमर्रा मामलात से डील करेंगे। अगर आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो आपके जायचे के दूसरे घर में वीनस 29 अगस्त से 23 सितंबर तक इंतहाई साथ होगा। वीनस का आपके जायचे के दूसरे घर में दौलत का सारा होने के नाते तुरफा की हालत में क्याम आपकी धन दौलत में इजाफा करेगा। आपको रुपए पैसा कमाने के नए मौके मिलेंगे। अलबत्ता इसके साथ साथ आपकी फजूल खर्ची में भी इजाफा हो सकता है। ये दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आप अपनी जात के लिए खरीदारियां करते नजर आएंगे। लिबास खरीदने, जूते खरीदने और ज्वेलरी या जेवरात खरीदना आपकी तरजीहात में हो सकता है। अलबत्ता आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जोहरा जब दौलत के घर में आता है तो अखराजात में भी इजाफा देता है, इंसान में खाम ख्याली पैदा करता है। आपको चाहिए कि 29 अगस्त से 23 सितंबर तक रुपए पैसे के हवाले से फायदेमंद सूरत हाल में अपने अखराजात को और अपनी दिली ख्वाहिशात को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी दौलत से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। आपके जायचे के चौथे घर यानी आपके खानदानी उमूर के घर में 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक सूरज अपनी फराकी हालत में होगा। ये वो वक्त होगा जब आपकी तवज्जो अपने घर पर बढ़ेगी। आप अपने घरेलू मामलात में ज्यादा दिलचस्पी का इजहार करेंगे। वालदैन के साथ आपकी कुर्बतें बढ़ेंगी। खानदान में आपका उठना बैठना ज्यादा होगा। आपके घर में गहमा गहमी हो सकती है। इसके अलावा आप घर की तजीन व आराइश करने, घर की तामीर मुरम्मत कराने, नए घर में मुंतकिल होने, पुराने घर को बेचने और नए घर को खरीदने के दर पे मालूम हो सकते हैं। विरासती मामलात से डील करना, विरासती जमीनों, जरई जमीनों, पालतू जानवरों और खानदानी एसेट से फायदा उठाना सूरज के मुस्बत दिनों में आपके लिए इंतहाई आसान होगा। इन दिनों में अगर आप जमीन जायदाद के मुकदमात में हैं तो उसमें भी आपके लिए फायदेमंद सूरत हाल पैदा होती रहेगी। वालदैन की सेहत और सलामती और उनसे फवायद हासिल करने के लिए ये वक्त आपकी जिंदगी का एक शानदार वक्त हो सकता है। इसमें आप ऐसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं जिनकी आपके दिल में बहुत पुराने अरसे से ख्वाहिशात चली आ रही हैं। आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो साल के ये आखिरी 6 महीने कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि ये वक्त गुजारने के बाद आप खुद को ज्यादा मैच्योर तसव्वुर करेंगे। आपके गिर्द जो मतलब परस्त लोगों और झूठे मोहब्बत के दावेदारों का हुजूम होगा वो कम हो जाएगा। जोहल और नेपच्यून आपके खाने मोहब्बत में 15 नवंबर और 7 दिसंबर तक मुसलसल पीछे को हटते रहेंगे। ये वक्त आपको अपनी माजी की यादों और माजी की दुनिया में भी ले जाने का बायस बन सकता है। आप मोहब्बत के मामलात में थोड़े तशवीशनाक किस्म के तजर्बात से गुजर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस दवाजी जिंदगी में भी आप खुद को गैर अहम महसूस कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर की जानब से आपको अदम तवज्जो का सामना हो सकता है। इसके अलावा आपको मोहब्बत के नाम पर या इस दवाजी जिंदगी में कोई धोखा दिए जाने का खदशा भी हो सकता है। हो सकता है आपके खिलाफ कुछ साजिशें बुनी जा रही हों, लिहाजा आपको बुरी मोहब्बतों
और नाकाबले एतमाद लोगों से दूर होने की जरूरत है। जोल और निपचून आपके जायचे के सातवें घर में आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज्दवाजी जिंदगी में बेयकीनी की कैफियत पैदा करने का बायस हो सकते हैं, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आप हकीकी मोहब्बत के करीब हो जाएंगे और ऐसे लोगों की अहमियत को समझ जाएंगे जो आपके साथ मुखलिस हैं और आपके साथ दिली मोहब्बत रखते हैं। आपके जायचे के नवे घर में यूरानस यकम सितंबर तक साथ रहेगा। इससे बैरूने मुल्क सफर के हवाले से आपको अचानक मौका मिल सकता है ऑनलाइन वीजे का हुसूल। इस ड्यूरेशन के दौरान आपके लिए इंतहाई आसान होगा। इसके अलावा इनामात और लकी ड्रॉज वगैरह के मामलों में भी आपको किस्मत का मुकम्मल साथ रहेगा। लेकिन यकम सितंबर से साल के अख्तितम तक यूरानस रेट्रोग्रेड में चला जाएगा, जिससे सफरी मामलों में आपको एहतियात करने की जरूरत होगी। खसूसी तौर पर अचानक से कोई फैसला मत करें और रिस्की कंडीशन में बिल्कुल भी मत पड़ें, वरना नुकसान के अंदेशे सर उठा सकते हैं। आपके कारोबार और करियर के मामलों के हवाले से 9 अक्टूबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे। इन दिनों में आपका कारोबार फ्लरिश करेगा, आपको बेहतर नतीजे मौसूल होंगे, आप मुआहदे और एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, नए ग्राहकों से और नए कारोबारी अफराद से मिल सकते हैं। कारोबारी दुनिया में आप तल्लुकात को फरोग दे सकते हैं। आपके लिए कदरे खुला माहौल होगा, जिसमें आपको खुलकर कारोबारी एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी 9 अक्टूबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे। इन दिनों में आपकी कारकर्दगी बेहतर रहेगी, बेरोजगार अफराद को भी रोजगार मिलने के इम्कान रोशन होते रहेंगे। लेकिन 9 अक्टूबर से साल के अख्ताम तक जुपिटर आपके खाना कारोबार में पीछे को हटना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मनफी रुझान नमू पाएंगे। काम पर दिल का न लगना, काम के लिए वो माहौल न मिलना जिसकी आपको जरूरत है। इसके अलावा नौकरी पेशा अफराद को भी चैलेंजेस का सामना रहेगा, लेकिन इससे मुस्बत ये हो सकता है कि आपके लिए नए मौके पैदा हों और आप नई चीजों की तरफ मुतवज्जो हों। अलबत्ता 9 अक्टूबर के बाद से आपको अचानक से किसी बड़ी तब्दीली की तरफ नहीं जाना चाहिए, खुसूसन अपनी प्रोफेशनल जिंदगी, कारोबारी मामलात और नौकरी के मामलात में आपको ज्यादा इफ़हाम व तफ़हीम और तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत होगी। रूहानी हवाले से बात की जाए तो साल के ये आखिरी 6 माह आपकी रूहानी जिंदगी में इंतहाई मुस्बत सूरत हाल पैदा करने का बायस बनेंगे। आपके जायचे के बारहवें घर में जोरा 11 जुलाई से 5 अगस्त तक, सूरज 22 जुलाई से 22 अगस्त तक और मरीख 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक अपनी मुस्बत एनर्जीज देंगे, जिससे रूहानी तौर पर आप इस ड्यूरेशन के दौरान सबसे ज्यादा खुश नसीब लोगों में शुमार किए जाते हैं। रूहानी तौर पर आपके सामने नए इंकशाफात हो सकते हैं। आप कई ऐसे राजों से वाकिफ हो सकते हैं जिनसे आप अभी तक नावाकिफ हैं। आपकी रूहानी जिंदगी में बेहतरी आपकी दूरस निगाह में इजाफा करेगी, आपकी दूरअंदेशी बढ़ेगी, आप चीजों के बारे में हकायक से आगाह होंगे, आपकी छठी हिस आपका साथ देगी, आपकी इमेजिनेशन और तखयलाती सलाहियतें हदों को छू सकती हैं। इस ड्यूरेशन के दौरान पीर मुर्शिद से मुलाकात का मौका मिल सकता है। रूहानी तौर पर आपकी बेहतर हालत आपकी दुनिया परस्ती में कमी लाने का बायस बनेगी, जिससे आपके अंदर से गम खौफ और इबहाम दूर होंगे। सूरज और चांद साल के इन आखिरी 6 माह में एक एक बार ग्रहण ज्यादा होंगे। 17 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण आपके जायचे के खाने मोहब्बत में होगा, जो मियां बीवी में जुदाई का बायस बन सकता है और मोहब्बत के रिश्ते में नाराजगियां और तनाजात पैदा कर सकता है। इसके अलावा पल पल बदलते ख्याल आपको रूमानवी जिंदगी और इज्दवाजी जिंदगी में इंतजार और परेशानियों की तरफ ले जा सकते हैं। जबकि दूसरा ग्रहण सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को आपके खाना दौलत में लगेगा, जो दौलत के हवाले से नुकसान का अंदेशा देता है। इसके अलावा आपके अखराजात में गैर मामूली तौर पर अचानक से इजाफा देखने में आ सकता है। आपका रुपए पैसे के हवाले से लालच बढ़ सकता है, आप कंजूस हो सकते हैं या हद से ज्यादा फजूल खर्च वाके हो सकते हैं। आपको चाहिए कि सूरज और चांद ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए जरूरी आमाल बजा लाएं, स्पेशली सदका दें और अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। मुअज्जज़ वर्गो ख्वातीनो हजरात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया पल पल बदलती रहती है। यहाँ जो आता है वो जाने के लिए आता है, जो मिलता है एक दिन वो वापस ले लिया जाता है। यहाँ पर जो लोग हमसे पहले गुजर चुके हैं, हम उन्हीं का बचा कुचा खा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम तकब्बुर व गुरूर से दूर रहें, हमें चाहिए कि हम हकीकत शनास हो जाएं, हमें चाहिए कि इस दुनिया को आर्जी समझें। इसमें मौजूद नेमतों के बारे में मशहूर कौल है कि
उनका हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा नेमतों को जाया मत करें, शुक्र अदा करें। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों और साथ के तमाम मोमिन मोमनात मुसलमान मुसलमात के लिए मगफिरत तलब करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।